मारिया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के मज़ेदार से मीठे दही बड़े। माश की दाल के बनाने के सबसे पहले मैंने ली है 1 पाव माश की दाल, जिसको मैंने मीठे पानी के अंदर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हम देखिए इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद हम इसमें लेंगे 3 जवे लहसुन के। उसके बाद मैं लूँगी गोल मिर्ची, इससे थोड़ी सी खूबसूरती आएगी। और 1/2 चम्मच मैंने लिए है अजवाइन, 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। ठीक है, सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे मशीन में अच्छे से। माश को इसके अंदर डाल के पानी के अंदर हम इसको पीस लेंगे मशीन से। ठीक है, अब इसको बारीक सा हम पीस लेंगे। ये दाल पीसने में थोड़ा सा टाइम लेती है और इस दाल को हम बिल्कुल बारीक मैदे की तरह पीस लेंगे। जी देखें, ये मैंने माश की दाल जो है मैंने पीस ली थी। अब पीसने के बाद थोड़ी देर ये इतनी कितनी थिक सी हो चुकी है। और आप लोगों के पास अगर जूसर मशीन है तो आप उसको जूसर मशीन के अंदर भी पीस सकते हैं। ठीक है, आप पीसने के बाद थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद हम इस फेंटे से थोड़ा सा इसको दोबारा फिर हाथ की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमारा ये तेल देखें गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी 1 चम्मच ये माश की दाल की फुलकियाँ डालूँगी बहुत आराम से। ये देखें बिल्कुल गोल गोल आराम से, छोटी छोटी सी बनानी है मुझे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी सी पसंद करते हैं फुलकियाँ। बड़ी वाली फुलकियाँ जो बड़े बड़े से दही बड़े बनते हैं वो ज़रा पसंद नहीं आते हमारे घर वालों को, इसलिए हम बिल्कुल छोटी छोटी सी दही फुलकियाँ बनाई हैं। ये देखें एक तरफ से मेरी फुलकियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब इनको मैं दूसरी साइड पर पलट रही हूँ। और बिल्कुल इनको धीमी आंच पे बनाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये अभी एक साइड से पकी हैं, अब हम इनको दूसरी। जी देखिए, ये मैंने पूरी नई फुलकियाँ जो माश की दाल की ये मैंने बना ली हैं बिल्कुल गोल गोल सी। और अब ये मैंने एक डब्बे में पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। जब भी आप फुलकियाँ बनाएं, चाहे माश की दाल की बनाएं चाहे बेसन की बनाएं, ज़रा सा नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के अब ये सारी फुलकियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे। और जैसे ही ये फूल जाएंगी डबल हो जाएंगी फिर हम इनको निकाल लेंगे। निकाल के फिर हम अपना इसके साथ तैयार करेंगे मीठा दही। मीठे दही के अंदर हम ये फुलकियाँ डालेंगे। ये मेरी फुलकियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, जिसको हमने थोड़ी देर पानी के अंदर रखा था। ये देखिए इतनी फ्लफ़ी बनी है मेरी फुलकियाँ। ठीक है, अब इसको मैंने पानी में से निकाल के ड्राई थोड़ा सा ड्रेन कर लिया है, इसमें से जो पानी इसका था ये सारा निकल गया फुलकियों के अंदर से। और ये मैंने दही लिया 1 पाव, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और चीनी ऐड की है। जब हम दही फुलकियाँ मीठी बनाएंगे उसके अंदर नीचे थोड़ा हम पतला दही रखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम ये फुलकियाँ इसके अंदर डाल देंगे। पानी में इसका बहुत अच्छे से निकाल चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा गाढ़ा दही मिलाएंगे। हमेशा फुलकियों अंदर पहले नीचे पतला दही रखेंगे पानी डाल के। अब ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा दही है मेरे पास, जिसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी मिलाऊंगी, पहले चीनी मैं उसके अंदर भी मिला चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी सी चीनी इस दही के अंदर मिलाऊंगी क्योंकि हम मीठी दही फुलकियाँ बना रहे हैं। हम मीठी दही फुलकियाँ बना रहे हैं इसलिए हम ये दही को ऊपर से पूरा डाल देंगे। ये मेरा दही फिट चुका है, अब इस दही को हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा लग रहा है। ये हमारी मीठी दही फुलकियाँ तैयार हो चुकी है माश की दाल की। रमज़ान में खाएं तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती हैं ये। इनको ठंडा करके फ्रिज में रख के खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और दही मैं पहले से ही लेके इसको फ्रिज में रख चुकी थी, अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। इसको हम 2 चटनियों के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले ये नीचे हम दही लेंगे और दही के बाद ये हम डालेंगे ऊपर फुलकियाँ। फुलकियाँ डाल के फिर ऊपर दही डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चटनी। ये देखिएगा ग्रीन चटनी डाल दी हमने। ग्रीन चटनी के बाद हम डालेंगे मीठी चटनी, और चाहे तो आप इसके ऊपर चाट मसाले के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार से हमारी दही बड़े तैयार हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।